ये है डिस्पेंसरी, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को। अन्नू को उसके पापा को दे दिया मैंने तो इंजेक्शन के लिए। गए मैं बाहर बैठ गई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको देख पाऊँ इंजेक्शन लगते हुए। इंजेक्शन लग गया, अब दो दिन अन्नू को रहने वाला अंदर। चाबी देना। तो यही दिक्कत आएगी, दो दिन सिर्फ गोदी में जाएंगे, अब खाना पीना सब भूल जाओगे। चलाने आवे? चलाने आवे? हैं? न मुंह का ध्यान रखे, इसका मुंह बहुत सुथरा है, कहते मुंह फोड़ दे। नन्नू को आप लगा दे। नन्नू तेरी जान खतरे में है। सही है, तो गई तुम थोड़ी थोड़ी। ये सेटअप एटअप है ना, ये दांत तुड़वा कर ना खुन्ना की चिटकारी कटवा देगा। ये सेटअप उटअप ये अपने पास रखा पास टाइप सेटअप आई अंग्रेज की औलाद। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में बसा लूं। वरना वाला पकलेम करूंगा मैं। क्यों? अपना स्पीकर सिस्टम तार ले भाई, हमने जरूरत ना। मेरी आवाज सुन जब तक से... जब तक आए बेचारी गाड़ी बात जने ना पावे। नहीं मेरे से चिड़ी किस बात की आपको? ये ऐसे सिस्टम पर पैसा खराब है। अपनी गुंडी शक्ल दुनिया को दिखा के बोला करो। ले भाई दुनिया वाले मेरी शक्ल देख लो भाई, देखो खूबसूरत इसकी शक्ल देख रहे पकौड़ा सी। अब देखो पकौड़ा सी शक्ल इसकी देख, कितने मैं नहा के गई और मेरे सब्सक्राइबर मिल गए मुझे और मैं नहाई नहीं हुई। हाँ तो यही बेरा चाल जो किसकी जिंदगी में तो कहती मैं ना सामने से आपको पहली बार देख रही हूँ और मैं मनी मन मन करना मैंने ब्रश की ना मैंने मुंह धोया ना मैं नहाई। अरे सब मेकअप का कमाल है भाई, मेकअप नहीं करती मैं समझे। नोकिया 800 लिगड़ेगा, 1600 नोकिया 1600 लिगड़ेगा। अरे मत सुना करो इनकी, इनको पता है वीडियो बनाते टाइम भी मैं बहुत ही रेयर मेकअप करती हूँ। मेकअप तो कर ले तू, तेरा काम कम हो रहा है, पैसा ना है तेरे पे मेकअप किट का। मेकअप तो तू इतना थोप ले, पैसा बहुत है यार तेरे पास, मेकअप किट का पैसा। आपसे ज्यादा अमीर हूँ मैं समझे यार जी, पे 1600 का परफ्यूम फिर भी ना लगावे, स्मेल ही ना आवे। स्मेल नहीं तो फ्रेग्रेंस होता। हाँ कुछ भी हो इतनी इंग्लिश ना वो करे करे यूज। ये थमने ही आवे चोचला ये एक तरह स्कूटी वाली है एक तरह। ओ शिट मैंने जो हाथ धो गए शाम तक थोड़ा कोई काम थोड़ी करी, ओ मैंने जो पहन धो गए गाड़ी चला के, गाड़ी चलाया इंग्लैंड तक 5 कदम गाड़ी चला। झूठे मानस को माथा बांध लेगी, सर में इतना दर्द। झूठा मानस होता आपकी तरह इसका सर में दर्द हो गया जाए। हाँ इतना पहले निकाल ले इन्हें उड़ाई दे पहला का चक्कर में बेचारा। ये यार अपनी ड्राइविंग पे इतना शक क्यों करता? मैंने अपनी जिंदगी का डरना है, मैंने इस बच्ची का बेचारी ने 3 महीने जिंदगी देखी है, मैं तो बहुत जी लिया 3 महीने जी है। या पॉइंट या मेरी जिंदगी का पॉइंट पॉइंट जी है ही। मैं रोहतक लेके गई तो परी चिपक के बैठ गई सीट। परी परी ने बोली प्लीज मैं कह रहा कान में क्या दिक्कत होगी,
मेरी जान को खतरा है। मैं टाल कर दे, रहने दूं मैं। सब। हेलो फ्रेंड्स, कॉफ़ी पी लो। मेरी मम्मी जब ये ब्लॉग देखेगी तो अपने लिए झट से चाय बना लेगी, और मेरे पापा ये ब्लॉग में कॉफ़ी देखते ही कॉफ़ी बना के पी लेंगे। मेरे ना मम्मी पापा मेरे ब्लॉग को बड़े ध्यान से देखते हैं, ब्लॉग देखेंगे फिर हंसेंगे। अगर मैं बीमार हूँ ऐसा कुछ बोल रही हूँ तो फिर उदास हो जाएंगे। मेरे पापा देखेंगे ये कुछ खा रही है तो मेरे पापा के मुंह में पानी आ जाएगा। अब मेरे पापा ये व्लॉग देख के बात सुनकर हंस भी रहे हैं। पापा अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी बना लो। अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो जैसे मैंने व्लॉग डाला ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो व्लॉग देखते ही झट से मुझसे मिलना आ गया, हाल चाल पूछने। कहते हम तेरे को फ़ोन करके बताते हैं ना कि हमारे, तो तू बहाना मार देती, रहन दो क्या करोगे अलाना फलाना ढिमकाना। माँ बाप ऐसे होते हैं, वो बच्चों को बीमार देख के या देखते कि भाई वो तकलीफ में, तो उनसे रहा नहीं जाता। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि बहाना मेरा था, नन्नू से मिलने का मन था और आ गया था, उस दिन मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि जब भी मेरे मम्मी पापा आते ना तो मैं उनसे बैठकर ढेर सारे गप्पे मारती। बस एक दो रील्स बनाई थी, वो मेरे पापा कहते रील बनाना रील बनाना, तो वो रील बनाई थी हमने, इंस्टाग्राम पे है वो रील्स, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है। अब मैं इंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी। नन्नू सो रही है, उसको सुला दिया, उसके पैर में दर्द है लेकिन बुखार अभी नहीं चढ़ा है, पता नहीं बुखार चढ़ेगा कि नहीं, पर जो भी रहेगा अपडेट करूंगी। फिलहाल कॉफी पीते हैं, चीयर्स। दोनों बहनें क्या कर लिया भाई? दोनों बहनें ये काम कर रही है। नन्नू आप ही देख रही, नन्नू को मजे नहीं आया भाई ये वाले कार्टून में। नन्नू को अच्छा लगा है कार्टून, अब देख रही है, अब देख रही है, रहन दो। अब परी आ गई है, थोड़ी देर परी खिलाएगी नन्नू को, तब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर नन्नू को संभालना है। लाइट्स ऑफ की और अब लेट। नन्नू सो रही है अभी, मैंने भी थोड़ी देर आँख बंद कर ली थी लेकिन फिर थोड़ा शोर शराबा हुआ था, आई गेस कोई आया हुआ था तो मेरी आँख खुल गई। अब मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि पीछे ना प्लॉट में पालक लगाया हुआ है तो एकदम प्योर पालक है, इसलिए पालक आया हुआ था तो इसको वॉश करती हूँ। पनीर मैंने मंगा लिया है तो पालक पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, चावल पालक पनीर की सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ और खाएंगे। ये मैं इनको वॉश कर रही हूँ पहले। अभी क्या दे रहा, ये देखो, देख रहा अकड़ इस इंसान की, मैं गिरावा खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी नहीं गिरावा। अरे खा ले, ये मारे सिर पर लड़ेगी, खा गए खा ले, वापस दे बेटा, मैं गिरावा नहीं खाऊंगी। अंगूर खा ले। छी, कितने कैसे कैसे बैड वर्ड्स यूज करते पापा।
बेटा आपको डायपर का बड़ा सा पैकेट नहीं दिख रहा? नहीं आप खड़े हुए, आपको मैंने बोला डायपर बता दो इसको। मेरा न्यारा हाथ लग रहा, न्यारा हार्ड है। दो मिनट पहले थी ना ये थी ना बात, यही बात थी ना, मैं नन्नू आपको पकड़ा रुक जा पूरा। मेरा क्या मतलब, नन्नू को मैं भगा दूँ आज ही। परी डायपर ढूंढ दे वो ना, दोनों की ना रात काली कर दूंगी यार मैं। सफेद कम करती हूँ और रोती कम है, काली रहती है रात तो। काली है मारी, मालिक तो सफेद लिपटी है, मालिक वाले लिपटी है। इस बेड पे मैं और नन्नू सोते हैं। सफेद रात में देखी उन दोनों को, वापस चार पे छोटी सी पटक कर रखी है। देखा बड़ाई पर, हाँ अंदर की तरफ घुसेड़ देती हूँ। घुसेड़ देती क्या होता है, रख देती हो? नन्नू को हम पढ़ाएगी। आप और ज्ञान देते हो गाली वक्त है। ये तो बेटा हेल्पिंग वर्ब है पुलिस वालों के। क्या गाड़ी देती है? सही कह रही है या गलत कह रही है? परी के दिमाग में घूमते रहते हैं वर्ड्स जो बोलते हो, गाड़ी बता दो। लेकिन परी मुंह से नहीं निकालते। परी चुप है नहीं बेटा, बैड मैनर्स। ये हेल्पिंग मेरे बगावत करने का जोश है। अरे खिलाओ, अरे खिलाओ, और खिला काजू खा ले बेटा काजू। ये कोई मैनर्स है पापा के, ऐसे बात करते हैं? कोई मैनर्स नहीं। अरे अंधेरा हो गया, गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया था कि मैं डिस्पेंसरी गई हुई थी नन्नू को इंजेक्शन लगवाने के लिए। वहां पर मुझे एक औरत मिली, अपने एक छोटी सी बच्ची थी उनकी गोदी में, होगी 5 महीने की आई गेस, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो, बच्चा लड़का भी हो सकता है वो। तो उन्होंने मुझे सामने से बोला, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ और मैं आपको कई देर से पहचानने की कोशिश कर रही थी, तो अब मुझे पहचान में आ गए हो आप, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। मैंने एक स्माइल पास की, मैंने कहा अरे थैंक यू, ऐसा करके थैंक यू भी नहीं बोला होगा, तो मैंने एक स्माइल पास की और मैं उसके पास खड़ी हुई एटलीस्ट एक मिनट के लिए तो मैं खड़ी हुई थी, बातचीत हुई थोड़ी बहुत जो भी थी। मेरा दिमाग कहाँ पर था कि नन्नू को इंजेक्शन लग रहा है। उस टाइम मेरे हस्बैंड पर नन्नू को लेके डॉक्टर्स के पास थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। मेरा दिमाग वहीं पर था कि वो चिल्लाएगी अभी। मैंने इवन आप देखोगे कि वहाँ पर बैठ कर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है, उसके बाद मेरा शूट करने की वो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरा दिल और दिमाग वहीं बैठा हुआ था कि अरे इंजेक्शन लगेगा, उसको दर्द होगा, ऐसे करके। ऑब्वियसली सब माओ के साथ होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है उसको इंजेक्शन लगता है, इतनी तेज चिल्लाता है। मैं नन्नू को नहीं रोने देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे बैक में पेन होता रहता है, कुछ भी होता रहता है, चाहे मुझे कितनी तेज़ बुखार हो। रिसेंटली मुझे इतना बुरा वायरल चला था, मैं रात को सोते टाइम भी मास्क पहन के सोती थी। आप लोग बिलीव करोगे पर ना, मास्क आप 1 घंटे के लिए भी पहनोगे ना तो आपका सर दर्द होने लग जाता है वो गर्म हवा जो सांस होती है उससे। लेकिन मैं पूरा दिन रात रात को सोते टाइम भी मैं पूरा ध्यान रखती थी कि वो मेरा मास्क गलती से नीचे ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे के लिए ओवर पोजेसिव रहती हूँ। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मेरा दिमाग वहाँ पर था, तो मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो पाई। अदरवाइज़ जितने भी आप लोग मुझसे मिले हो कहीं ना कहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मैं कभी रूड हुई हूँ आप लोगों के साथ, या आप लोगों को लगा हो कि मैंने आप लोगों से अच्छे से बात नहीं की है। ऑब्वियसली हम कहीं जाते हैं फैमिली के साथ जाते हैं तो फैमिली टाइम होता है वो। मैं इतना आसानी से कहीं बाहर जाती नहीं हूँ घूमने फिरने, जब भी कभी जाती हूँ वेगस वगैरह तो फैमिली टाइम होता है वो। बट स्टिल कोई मेरे को सामने से आके बोलता है तो मैं उनसे बात करती हूँ, अच्छे से फोटोज़ वगैरह क्लिक करती हूँ। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जो एक वीडियोस बना रही है और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है बस। तो उसने मुझे वहाँ पर बातचीत हुई, मैं फिर नन्नू बाहर आ गई थी, उसके पापा उसको बाहर लेके आ गए थे और मैंने इमिडिएटली उसको गोदी में ले लिया। मैं उस औरत के पास से साइड हो गई थी, मैंने नन्नू को इमिडिएटली गोदी लिया कि अरे रो रही है रो रही है। और फिर मेरा दिमाग नन्नू में ही चला गया कि हाँ उसको चुप करवाना है, उसको दर्द तो नहीं हो रहा, डॉक्टर से पूछना है इसको फीवर कब आएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंजेक्शन लगवा के आ गए थे। बस बेटू आ रही हूँ,
इंजेक्शन लगवा के आ गए थे, तो उन्होंने फीवर का नहीं पूछा, पेन का नहीं पूछा, तो मैंने कहा कि इसको पेन होगा, फीवर होगा, क्या होगा, ऐसे करके मैं दवाई वगैरह की कितने बार दवाई देनी है ऐसे करके मैं उनसे पूछ के आई डॉक्टर से। और फिर उसके बाद मैं नन्नू को गोदी में लेके निकल गई। जब मैं निकलने लगी घर की तरफ, तब मैंने उनको बोला ठीक है बाय, और उसके हाथ में जो बच्ची थी उसको भी मैंने से प्यार से ऐसे ग्रीट किया और मैं वापस बाहर आ गई। इससे ज़्यादा मैं क्या करती बताइए। तो उन्होंने मुझे मेरे लास्ट व्लॉग में कमेंट किया हुआ है कि आज मैं आपको मिली थी और आपने ना मेरे से अच्छे से बात नहीं की। ये चीज़ देख के इतना बुरा लगता है कि आप खुद एक माँ हो, आप भी कंडीशन नहीं समझ रहे हो। और सिर्फ ऐसा उनके लिए नहीं है, मैं कल रात को यही चीज़ सोचने बैठी कि मैं कई लोगों से मिलती हूँ, सामने वाले को लगता होगा कि अरे ये तो हमारे पे ध्यान नहीं दे पा रही है, कुछ नहीं। मतलब कई बार क्या होता है, मैं नन्नू के साथ भी होती हूँ, परी के साथ भी होती हूँ, हस्बैंड भी होते हैं, परी एक तरफ बोलती रहती है मम्मा मैं ये खाऊंगी, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे हस्बैंड बोलते रहते मुझे वो खाना है, मेरे दिमाग में अपने लिए चलता रहता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सामने वाले इंसान की प्रेजेंस को ना उस टाइम अपने दिमाग की वजह से इग्नोर मार देते, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है और हम इंटेंशनली नहीं करते हैं। वो उस टाइम लगता है कि अच्छा हाँ ये लेना, उसने बोला हाँ ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, ऐसा करके। तो सामने वाला कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, और कई लोग समझ जाते हैं इस बात को, कई लोग सोचते हैं कि ये तो इग्नोर करके चली गई। लेकिन आई जेन्युइनली वांट जितने भी लोग आज तक मुझसे मिले हैं कहीं पर भी और मैंने उनसे बात की, वो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि मैंने आप लोगों को इग्नोर किया हो, अच्छे से बात नहीं की हो। और जो हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में हुआ उसका जो कमेंट आया, मुझे वो कहीं ना कहीं बुरा भी लगा और मैं सोचती रही कि मैंने तो अच्छे से बात की थी तो ऐसा उसको क्यों लगा। लेकिन जानबूझकर बोलना कि आपने अच्छे से बात नहीं की, ये नहीं किया, वो आपको खुद समझना चाहिए। आप एक खुद एक माँ हो, आपके पास एक बच्चा था, आपको ये देखना चाहिए था कि उसका बच्चा रोने लग रहा है। अब मैं अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ के तो आपसे बात करूँगी नहीं ना। रही मेरी वीडियोज़ की बात, मेरे ब्लॉग्स की बात, आप लोगों ने ही प्यार दिया है तब जाकर मैं आज इस लेवल पे हूँ कि कुछ लोग मुझे पहचान लेते हैं अगर मैं बाहर जाती हूँ तो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, मैं तो ये हूँ वो हूँ, कभी नहीं यार। और हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके मेहनत करता है, बस मेरा काम ये है कि आप लोगों तक पहुँच गया है, आप लोग पसंद करते हो, मिलते हो तो बताते हो। तो प्लीज़ मुझे वो चीज़ बुरी लगी, हर्ट हुई वो कॉमेंट देख के, क्योंकि अपना बच्चे के ऊपर मेरा ध्यान था और मैं इतना टेंशन में थी, उसके बावजूद भी मैंने सामने से उनसे बात की। और हाँ ये था कि मैं इतना टेंशन नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरा ध्यान मेरे बच्चे के पास था सिर्फ, और वो ज़रूरी भी था मेरे लिए, देखो मेरे बच्चे बहुत ज़रूरी हैं ना। तो चीज़ मुझे बुरी लगी। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है ना कि सामने वाला इंटेंशनली हमें इग्नोर नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को आप एजन ताना, अब वो ही 10 लोगों को जाके बोलना वो मुझसे मिली थी, वो तो घमंडी थी। आप लोग सिचुएशन और कंडीशन भी समझा करो इंसान की। तो बस यही बोलना था मुझे, और इस व्लॉग को करते यही एंड, लंबा व्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नन्नू की तबीयत अब बेटर है बहुत, बस बाय।